हम लोग गोल सीक फीचर करेंगे। ये बहुत वाइडली यूज्ड फीचर है एक्सेल का। जनरली फिनेंशियल एनालिसिस एंड ऑल में ये यूज़ होता है। सपोज देखो, सबसे पहले तो कैसे मैंने किया है, मैंने सारा अमाउंट्स लिखा है यहाँ पे। इनकम इज़ हम लोग का 1 लाख मंथली इनकम। दीज आर द एक्सपेंसेस एंड दिस इज़ माई सेविंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स लिख के होम टैब फॉर्मेट नंबर में जाके मैंने अकाउंटिंग में चेंज किया इसे। आप लोग करेंसी में भी चेंज कर सकते हो, अकाउंटिंग में भी चेंज कर सकते हो, आपका जो मन, आप लोग उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे इनकम लिखा है, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस मेरा इनपुट वैल्यूज़ है, एंड जो मेरा आउटपुट है सेविंग्स, ये मैंने कैसे निकाला है, इनकम माइनस सम ऑफ ऑल दीज, इनकम माइनस सम ऑफ ऑल दीज। सेविंग्स क्या होते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो इनकम माइनस ऑल माई एक्सपेंसेस। देखो, देख लो एक बार मैंने कैसे किया है, इनकम माइनस सम ऑफ ऑल माई एक्सपेंसेस इज़ माई सेविंग्स। ठीक है, तो ये मेरा सेविंग्स आ गया। अब सपोज मुझे बेसिकली व्हाट इज़ गोल सीक, पहले ये समझो गोल सीक कैसे यूज़ होता है। अगर मेरे पास एक आउटपुट है और मुझे एक टारगेट लेवल आउटपुट अचीव करना है, वो हम कैसे अचीव करेंगे, बाय चेंजिंग सर्टेन इनपुट्स। तो दो चीज़ सबसे पहले हम लोग गोल सीक में आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है आउटपुट सेल। यहाँ पूरे में टेबल में मेरा आउटपुट सेल कौन सा है, सेविंग्स। दिस इज़ माई आउटपुट सेल जो आ रहा है। इनपुट सेल्स मेरे क्या है, ये मेरा इनपुट सेल्स है। तो दो चीज़ सबसे पहले आइडेंटिफाई होते हैं, आउटपुट सेल एंड इनपुट सेल। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप आउटपुट सेल लेते हो, इस आउटपुट सेल में आपको इनका इनपुट यूज़ करके आउटपुट निकालना है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे 50 वो 100 लिख देते, सपोज़ मैं यहाँ पे लिखती 50 वो 100, दिस इज़ ऑल्सो माई सेविंग्स, बट दिस इज़ नॉट द आउटपुट सेल। वाई? बिकॉज मैंने यहाँ पे टाइप किया है, मैंने इन इनपुट को यूज़ करके नहीं आउटपुट निकाला है। राइट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट सेल एंड दिस? इसमें मैंने इनको यूज़ किया है टू गेट दिस वैल्यू, यहाँ पे मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली आई हैव रिटन द वैल्यू, सो दिस इज़ नॉट माई आउटपुट सेल। दो चीज़ क्लियर हुआ, एक इनपुट सेल एक आउटपुट सेल। इनपुट सेल में कभी भी कोई फंक्शन नहीं डालना है, यहाँ पे कभी भी कोई फंक्शन नहीं है। देखो कहीं पे भी कोई फंक्शन नहीं है, खाली हमने इनपुट एक डाला है। तो इनपुट सेल में देर शुड नॉट बी एनी फंक्शन। आउटपुट सेल में आप आउटपुट कहाँ से निकालोगे, यूजिंग योर इनपुट। क्लियर हुआ ये दो चीज़, दो बेसिक चीज़। अब यहाँ ध्यान दो, सेविंग्स है मेरा आउटपुट, दिस इज़ 54 100, मुझे अचीव करना था 55,000, मुझे अचीव करना था 55,000, दिस इज़ माई टारगेट लेवल ऑफ आउटपुट। सो वॉट आई डू इज़, यहाँ पे गोल सीक यूज़ करेंगे, इसको 55,000 बनाएंगे बाय चेंजिंग योर एनी वन ऑफ द इनपुट। अब हम क्या अज्यूम करें, दैट इनकम इज़ फिक्स्ड, ऑल दीज एक्सपेंसेज आर फिक्स्ड, यू कैन चेंज योर अदर एक्सपेंसेज ओनली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आउटपुट को एक टारगेट आउटपुट पे रीच कराना है बाय चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस। ये करना है हमें, क्योंकि अनलेस आप कुछ भी एक एलिमेंट चेंज करो, आपका ये चेंज नहीं होगा। राइट, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस। नाउ व्हाट इफ एनालिसिस का सारा फीचर्स धीरे धीरे सीखेंगे, आज गोल सीक सीख रहे हैं। अब गोल सीक में देखना, पहला इज सेट सेल, तो आपको इस सेल को सेट करना है टू वैल्यू 55,000। अब जब टू वैल्यू लिखते हो ना, यू कैन नॉट सेलेक्ट दिस सेल, यू सी यू कैन नॉट सेलेक्ट दिस सेल, ये सेल सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। हमेशा टू वैल्यू में यू विल हैव टू टाइप व्हाट यू वांट टू गेट द आउटपुट एज। तो यहाँ पे आपने टाइप किया, नेक्स्ट बाय चेंजिंग में आप लिखोगे अदर एक्सपेंसेस, सेट सेल टू वैल्यू 55,000 बाय चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है, देखो ओके करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा, टारगेट वैल्यू वाज 55,000 एंड यू हैव अचीव्ड 55,000 बाय चेंजिंग अदर एक्सपेंसेस। पहले शायद 44 ऐसा कुछ था,
4500 था, अभी 3600 हो गया। क्लियर है कैसे किया हमने गोल सीक यूज़? ठीक है, आप लोग इसको करो एंड सी, आई हैव रिटन ओवर हियर, आई हैव रिटन इट ओवर हियर। सेट सेल आउटपुट सेल जो चेंज करना होता है, टू वैल्यू द टारगेट वैल्यू एंड बाय चेंजिंग द इनपुट सेल, तो ये भी आप लोग कॉपी कर सकते हो। क्लियर है? करो इसको गोल सीक को ट्राई। एंड अगर आप लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली 54100 लिखा होता तो आपका वैल्यू चेंज नहीं होता, बिकॉज आपने आउटपुट पे कुछ इनपुट यूज़ ही नहीं किया है, तो वो चेंज कैसे होगा? कोई फंक्शन डाला ही नहीं है ना? आउटपुट सेल में हमेशा एक फंक्शन होना चाहिए, इनपुट सेल में कभी भी कोई फंक्शन नहीं हो सकता जो आप लोग चेंज करने का कोशिश कर रहे हो। क्लियर है ये पूरा चीज़ गोल सीक फीचर हम लोग का एक्सेल का? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्टली व्हाट इफ खोल सकते हो, कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। क्लियर है गोल सीख?